केंद्रीय सदस्य मोतीलाल महतोजी, साथी उपस्थित मंचा सिंह, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य पति महतोजी, पूर्व पंचायत समिति टिकलाल महतोजी, साथी उपस्थित जितने भी माए बहन सब लिए है, भाई बंधु सभी के गोड़ हक के जोहार लग ले, लेकिन ऐसा कभी ना है रहा लोग आ कहानी देखते जा रहे कि अभी कोई आवाज ना उठाए लोग से खाती वोट ओखले दी है। अभी वोट का कोई सीजन नहीं आया है और ना झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ये जो संगठन बना है जयराम महतो का, वो तोहनी सभी वोट ना मांग रहा लो। अभी तोहनी वोट ना देना हो। अभी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जे एगो संगठन बनैले हले जयराम महतो कि झारखंड में जे धनबाद बोकारो में बाहरी भाषा घुसल जा हले ओकर विरोध में एक संगठन बना रहा है। उसी संगठन के लेके आज हमने बतवे ला ले लियो तो लेकिन जन जागरूकता करे ला ले लियो कि वोट कैसन दिए चाहिए। लागो देखा बड़ी गोटे भी यहाँ बोल रहे थे दो दिन पहले से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एगो आंदोलन करो है। कौन चीज आंदोलन करो है ना भाषा के की आंदोलन करो है। वो इसलिए आंदोलन करो है कि तो हमने नौकरी तो खाए गले हैं तो कह के गले हले कि 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनेबो स्थानीय नीति बनेबो, लेकिन जब तो वहाँ सरकार में चल गए उस समय तो हमने भाषा के भी घुसा गले हैं। इसलिए यहाँ जितना गोटे अल बड़ी गोटे सोचो थे कि बाजा बाजे लगल बैठे कह लगल थे फिर वोटवा मांगब थी, लेकिन हमने वोट मांगल ना अलह आय रखिया झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति तोहनी से एक वोट भी नहीं मांग रहा अभी तोहनी के समझा रहा कि आज तक जो वोट दो हली उटा कील दो हली और आप जो वोट देना हो सेटा कील देना हो तो जकरा वोट देना हो ये सब पार्टी के आदमी हती कोई जेएमएम के हते कोई कांग्रेस के हते कोई बीजेपी के हते कोई आसू हते, लेकिन साहब के एक बात बता दही अब कोई पार्टी ना रह लो अब दो एक पार्टी हथिन एगो एनडीए एगो इंडिया। तो सोच ले जब अखनी दो एक पार्टी बनवे हल तो अखनी अलग अलग पार्टी रजिस्ट्रेशन क्यों कर लेन भाई एगो सोचे वाला विचार है कि नहीं। जब दो एक पार्टी हल पूरे देश में एगो एनडीए बन गए और एगो की बन गए इंडिया बन गए जगह में मोदी जी के तनि सुन खराब लगल तो कोई इंडिया ना है। अब इंडिया का नाम जैसे हमने देश के बोली इंडिया हमने देश लगे और मोदी जी को ना इंडिया देश थोड़ी लगा भारत देश लगे कहे कि इंडिया एक पार्टी बन गए संगठन बन गए। तो हमने इतना समझल ना लियो कि तोहनी वोट हमने देना हो, हमने इतना समझल लियो कि तोहनी वोट किस लिए देना हो और कैसे देना हो हमने इतना समझल लियो। तोहनी जकरा वोट दिएगा तो तकरा वोट दियो। देखा अभी जैसे भाषा के बोलो हक हमें कोर्ट कहियो ना गलिए लेकिन कोर्ट के बात सुनलिए एक गोटा बात भेल कि एगो लड़की बियाह भेल हसबैंड में दल छोड़ तो गल गाची हाई कोर्ट हमने बोलिए गाची में कल संजय तनी चल भी एक गटे हिम्मत तनी हाई कोर्ट में जीबी हमें ना बोल पाबो भैया कल चलिए ठीक है जीबो। जब हाई कोर्ट में जज के अंदर हमने एंट्री कर लिए उस समय हमें समझ में आए कि भाषा के की महत्व है। वो अगर यदि कोई कोर्ट गेल हबे हमें तो अभी तो नसीब ना भेल हमने की जाएंगे, लेकिन अगर यदि तुमने गेल हबे तो नसीब प्राप्त भ गए हो तो एक चीज हम बोलिए कोर्ट में तो देखिए मुकदमा तो वकील दू गो वकील मिल के अपने आप में की बात करब थून इतने में जज एगो फैसला सुना देते खुदे से पुलिस है तो पकड़ के ले जितो तो पते नहीं चलतो कि ये भले कि जितना भी कोर्ट गए लबे अगर यदि हुआ बढ़िया कोर्ट गए लबे वह इंग्लिश में बात चलो है हुआ तो देखियो वकील वकील कौन सी बोलते तो समझ में नहीं आता वाज दिस फाज दिस की बोलते हमने देहात आदमी बुझे कुछ हो ना पता चलते अगले दिन में जज साहब तो फैसला सुना दिलो फैसला सुनल के बाद उन्हें पुलिस अलो और पुलिस तो उठा के ले गल वह तक हुई है कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो कोर्ट हिंदी में जजमेंट का दो है। ये झूठ मूठ के आदमी बहका गया कि लोकतंत्र है कौन सी का लोकतंत्र है जी आप पूछिए कोई भी नेता से पूछिए कौन सी का लोकतंत्र है। जब यहाँ का सुप्रीम कोर्ट उसने ये घोषित किया है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है आप हिंदी में जजमेंट क्यों नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदी में बात क्यों नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है हमको समझ नहीं आता है।
हम कोर्ट गए, उसको जज बोला कि ठीक है, आईकेल मतलब इंग्लिश में बोला, उसका जो पीए था वकील था कल बाबू तब नूनी ने आईकेल ले जीतो, बाद में पता चल ना लगले नूनी के, तब हमें पता चल नूनी की लेक तो वह कोर्ट में पैसा दे ले, कह दिले कि नहीं लेंगे लड़की अच्छी नहीं है, चलिए अगर ये हटा यदि हमारा पता चल गया तो है तो हमने बोल कर लिया हुआ कि ऐसा बात नहीं है, ये बोला था हम रखेंगे, लेकिन हमने पता नहीं चल रहे अपना पता चल रहे कि वो लड़कियाँ छूट गया वो लड़कों से, तो इधर हमने सबसे सोचे भी तो कि भाषा रस्ते में पढ़ल लिखल लोग चाहे ऊपर में जब बैठे रहती बाहर के जो लोग हथिन वो गरीब आदमी के कील के भाषा के स्तर पर दबो थी, हम यह कह चाहिए कि जब हमारे नावाडी के आदमी कोर्ट जीते तो वह खौठम बोले वाला वकील कहे ना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इतने सोच कि खौठम बोले वाला वकील कहे ना है, हम अठिन डॉक्टर जी भाई आरसी जी भाई खौठम बोले वाला डॉक्टर कहे ना है, अच्छा डॉक्टर के कहते डॉक्टर साइन कर देते तो पत्ते ना तो की गलत, डॉक्टर आधा इलाज करता है जब आप उसको बताते हैं कि हमारे पेटवा दर्द करो है, 12 बजे राति दर्द करो है, 1 बजे दर्द करो है, जखन पनिया पिए हुए तखन दर्द करो है, इतना बातें में तब डॉक्टर में जानो है कि सब पनिया पियो है ना, पनिया हमारा बुझे गैसवा बनल हो तखन दाबो है तखन दर्द करे लगो, तब डॉक्टर कैसे जान जीतो जी तो पेटवा कैसे दर्द करो, लेकिन डॉक्टर की करते तो दवाई लिख दे, अब तो समझ में अलो ना दवाई खा गए ना समझ में अच्छा ना गलत हमारा कोई कोई देखल है फलना दिन के लिए ओकर कन्हैया ओकर दादी ओकर अथी देखल है, तो हमने इतना बतवल ना रही हो कि तोहनी वोट देना, हमने इतना बतवा रही हो कि तोहनी अपने आप में सोचना कि हमने अपने सुधारना कैसे हो, देखिए अपना स्थिति यदि हम लोग सुधारना चाहते हैं, हम लोग सबको सुधारना चाहते हैं तो हम लोग का स्थिति सुधरेगा मात्र 3 चीज से, पहला चीज क्या है आपको जिसको वोट देना दीजिए, वोट के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, वोट के लिए जे भी कैसे आपको जब वोट मांगेगी उस समय भी नहीं बोलेगी, आपको अच्छा लगेगा तो दीजिएगा नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं दीजिएगा, लेकिन वोट देना चाहिए 3 चीज पे, पहला चीज क्या है एजुकेशन शिक्षा, यदि शिक्षा मिलेगा तो आप रोजी रोटी कीजिएगा, आपका नौकरी लगेगा तो आपका बाल बच्चा पैसा कमाएगा घर में देगा आप अपना घर चलाइएगा, दूसरा चीज क्या है यदि आपका नौकरी नहीं लगा पैसा कौड़ी आप नहीं कमाए तो दूसरा चीज है कि तो पास जमीन रह चाहिए, जमीन रहता तो खेती बाड़ी करके तो अपन रोजी रोटी चला सको, ये दूसरा लगाए, तीसरा की नियम लगाए कि मान ले तो पढ़ो ना पढ़ ले तो फिर जमीनों ना हो, तो तीसरा उपाय है कि जो सरकार बनो है चाहे जो गांव के मुखिया है वो कोई ऐसा उपाय करे कि आदमी के कुछ पैसा मिल जाए, ठीक है कर्जा में ही सही लेकिन कुछ पैसा मिल जाए, जैसे मान ले कि दादी के अगर 1 लाख पैसा मिल जाते कि दादी 1 लाख पैसा की करते, मान ले यहाँ साड़ी दुकान ना है ये साड़ी दुकान खोल देते, सारी दुकान खोल लेते 2-4 टका करते, लेकिन इतना जान ले कि झारखंड में पूरे झारखंड में चाहे रांची जो दिल्ली रांची जो बोकारो जो झारखंड जो कहीं भी जो ये तीनों चीज में तीनों चीज ना हो तो हमने पढ़ में कैसे पढ़े बोल, हमने बाल बच्चा पढ़े खातिर कोई व्यवस्था ना हो, हमने बाल बच्चा स्कूल जाओ आज भी बड़े गोटे को थे नाय गो हम वो बैठवा जाए पढ़े हमको बैठवा पढ़े जाओ खिचड़ी खाई जाओ स्वस्थ पढ़ल जाओ खिचड़ी खेल जाओ, एक आध माई के देखो ये बेटो पढ़लो ना से फिक्र न को कोई हाँ खिचड़िया दल लो आज पर हाँ के दल ल खाए पढ़ले की से न खाओ फिक्र गिदर में हम लोग घर जाइए तो हम लोग का नहीं को हम एक छोट भाई है तो का नहीं को हमको इतने पढ़ल लिखल लगे तो कैसे बात कर रही है अगर पढ़ल लिखे पूछे सब्जेक्ट पढ़ले ऐसे को हाँ तो खाए ला गए वहाँ स्कूल में ना ले खिचड़ी की तो हमें देखो हमें 9वां क्लास चल गए 9वां क्लास में खिचड़ी ना मिलो है तो ऐसे ना का नहीं बोले लगे तो वह टाइम सोचिए कि कितनों पढ़ल लिखल लड़की नु आ जाती ने तो वह क्वेश्चन में करो फिर कि खिचड़ी खाई गए आज की मिल लो डिब्बा मिल लो की मिल लो तो कि देखो को ना मैया डिब्बा ना मिल लो के बिस्कुट मिल लो की पढ़ लो से एकदम फिकिर देखो ये तो हम इतना बोले चाहिए कि पहला हो एजुकेशन एजुकेशन हो ना एजुकेशन कौन सी स्कूल कॉलेज में मिलो हो डिग्री पढ़ाई कहीं ना हो कहीं पढ़ा है कि आप कभी पढ़ाई कैसे ना है हम बस वही पढ़ाई कैसे ना हो यहाँ जितना भी आदमी है तो एक बात बता दे कि यदि तो बेटवा 10वां पास कर गए तो 10वां पास यदि तो पैसा ना हो तो सोच के देख तो बचवा फ्री में कैसे पढ़ते कोई कॉलेज है कोई कॉलेज है तो नहीं बता दो फ्री में पढ़े वाला डुमरी विधानसभा में फ्री में पढ़े वाला कोई कॉलेज है कहे ना है भाई ये वो विधानसभा में अगर यदि आप स्नातक स्तरीय शिक्षा देने के लिए फ्री कॉलेज का स्थापना नहीं कर पाए तो 70 साल से आप कल कौन चले थे जी
आज तक हम पॉलिटिक्स में कहीं नहीं जुड़े हैं, लेकिन जगामदा के साथ जुड़ने का बस यही कारण है कि दर्द था। हम लोग गए रांची काम करने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड का काम किए और भी बहुत काम किए, लेकिन जब पढ़े लिखे तब समझ में आया कि नहीं, ये जो बंदा है लगे हमसे छोट डेटो कॉल्स में, लेकिन बोलो है ना तो हिलाई रख दो, कहा बोलो है, एजुकेशन के पावर है, पढ़ल लिखल है।